सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम में। मौसम बहुत सुहाना है और मैं आपसे कहूंगी कि आज की जो ये सुबह है आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कहेंगे भला मुझे कैसे ये पता चला? वो इसलिए कि भाई आप बिहार बिहान कार्यक्रम देख रहे हैं, संडे मॉर्निंग है और बिहार बिहान में आज सजधज है मधुर संगीत की। तो जब इतना सुंदर संयोग है तो फिर आज की सुबह अच्छी तो बिल्कुल रहने वाली है ना? क्यों नहीं हम कार्यक्रम की शुरुआत करें अच्छे विचारों से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच रहती है, जैसे हमारे विचार रहते हैं, वैसा ही हमारा आसपास का परिवेश भी निर्मित होता है। और हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा आसपास का परिवेश है ना, वो बहुत अच्छा हो। और इसके लिए हमें अपने जीवन में अच्छे विचारों को समाहित करना नितांत आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, आपको दिखाते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हम सभी का दिल जीतने वाले हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे आज के मेहमान एक बेहद ही अनुभवी, जाने माने, आपके चरपरिचित और साथ ही हर दिल अजीज गायक हैं, जिन्होंने दर्शकों हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में प्रभाकर की शिक्षा ली है और साथ ही आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड गज़ल कलाकार भी हैं। अगर मैं लोकगीत की बात करूं तो वहां भी आपकी जो संगीत है वो दिखती है और साथ ही आप संगीत कंपोज़र भी हैं। तो इतनी सारी खूबियों के साथ आज के हमारे विशेष मेहमान श्री सीताराम सिंह जी का स्वागत करिए हमारे आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में। सीताराम जी, बेहद अभिनंदन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, बिहार बिहान के सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो आज शायद पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बताना यह ज़रूरी है कि मैं जब से ये पटना दूरदर्शन यहाँ खुला और जब से डीडी बिहार यहाँ शुरू हुआ, मैं इन तमाम बातों का साक्षी रहा हूँ। इस तरह से आप, ये संयोग है कि मैं मेहमान के रूप में अभी आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन मैं यहाँ का मतलब घरेलू, जिसको कहते हैं, होस्ट भी रहा हूँ। और 31 बरस मैंने आकाशवाणी में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट मुलाजमत की है, नौकरी की है। इस तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है वो मेरा घर आंगन है। बहुत सुंदर। और जो आपका नाता है दूरदर्शन से और आकाशवाणी से वो बहुत पुराना है, पर जो हमारे दर्शक हैं वो यकीनन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या आज सुनाने वाले हैं। पर इससे पहले दर्शकों, जो हमारे वादक कलाकार हैं उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ हैं कुमार सौरभ जी, आप गिटार पर संगत करेंगे, और साथ ही शशि शंकर मिश्रा जी, आप इलेक्ट्रिक ऑक्टोपैड और तबला पर संगत करेंगे। एक सुंदर सा माहौल है और यकीनन सीताराम जी, जब हम आपकी आवाज़ का जिक्र करते हैं तो उसमें माधुर्य है, उसमें गंभीरता है और उसमें, मैं कहूँगी, गहराई भी है। जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे वो हमारे दिल में उतरती चली जा रही है। और मैं इस आवाज़ का परिचय अपने दर्शकों से सबसे पहले शुरुआत में ज़रूर कराना चाहूँगी। तो शुरुआत किस प्रस्तुति से करने वाले हैं आज के कार्यक्रम की? निहारिका जी, मैं जी। सबसे पहले एक कबीर का भजन सुना रहा हूँ। बिल्कुल। और ये बताता चलूँ कि यह संगीत रचना मेरी ही है। वाह। और ये राग भटियार पर आधारित है। रागों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ जी जी, कि मेरे बारे में, मतलब आपने निहारिका जी बताया कि संगीत प्रभाकर का मतलब होता है कि शास्त्रीय संगीत से भी मेरा रिश्ता रहा है, तो इसकी आगे चर्चा करूंगा कि शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोकगीत में क्या अंतर है, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल कबीर का एक भजन जो राग भटियार पर आधारित है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
सुनाए हमें। सीताराम जी, आपने हमें कबीर की वाणी सुनाई। कबीर जी की जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें हर पंक्ति में ईश्वर से मिलाप की इच्छा दिखती है। तो जो बातें जब हम करते हैं संगीत की, और आपने एक लंबा मुकाम हासिल किया, लंबा सफ़र तय किया है संगीत की इच्छा साथ साथ, और एक लंबा अनुभव है आपके पास, पर जो ये संगीत से लगाव है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या कोई पारिवारिक माहौल था, हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे।
निहारिका जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। जैसा कि आजकल तो थोड़ा ज़्यादा है, पहले हमारे ज़माने में आज से 70 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था, बिल्कुल से, तो उस वक्त एकमात्र रेडियो था जो बाहर का संगीत हम तक पहुंचता था, वरना गांव में जो कीर्तन और जो भजन और जो शास्त्रीय संगीत के गायक आते थे उनकी महफिलों में सुनने का जो अनुभव था वो बचपन से शुरुआती 2-3 साल 4 साल 5 साल में मैं अपने अभिभावक नाना के साथ जाता था और सुनता था। और जैसा कि आपने कहा कि किस तरह, तो संगीत शुरू से लेकर मैं मानता हूँ, ये मेरे विचार अपने हैं कि संगीत दो ही तरह से आदमी इससे जुड़ता है, या तो आपके आप घरानेदार हो, पुष्ट दर पुष्ट आपके यहाँ संगीत होता रहा हो 6 पुष्ट 7 पुष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर आपके पास जो फिल्म संगीत जो पहुँचता है जी जी। फिल्मों के माध्यम से जो संगीत पहुँचता है उसी के जरिए आप में संगीत की रुचि, आप जब बच्चा होते हैं तो फिल्म संगीत के जरिए ही आपको गाने या कुछ बजाने की रुचि होती है, जो आज भी है तब भी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मेरा भी जो संगीत से लगाव हुआ वो फिल्म के संगीत के माध्यम से जी। और मैंने जिंदगी में पहला जो फिल्म का गाना गाया था वो मुझे आज तक याद है। अच्छा। उस वक्त फिल्म नागिन बहुत हिट फिल्म थी, उसका एक गाना था मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो वो मैंने सुना और मतलब कोशिश करके मैंने गाना शुरू किया। लोगों ने कहा कि भाई लड़का, ये बच्चा बड़ा अच्छा गाता है। बस इसी तरह से बुला बुला के लोग सुनने लगे और मैं संगीत से जुड़ गया। अच्छा, तो इस तरह से लगाव शुरू हुआ। आपने कहा कि आप फिल्मी गीते भी सुनते थे, आप उन महफिलों में भी जाते थे जहां कलाकार अपनी संगीत को सुनाने के लिए आते थे, तो ये लगाव धीरे धीरे विकसित होता चला गया। मेरा दिल ये पुकारे आ जा, क्या ये पंक्तियां हमें सुनने को मिलेंगी आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए हमें। चाह रहा था इसको फरमाइश जी, शायद मैंने अपने दर्शकों के दिल की बात भी कह दी। हाँ जी हाँ, पहला गीत मेरा है। जरूर सुनाए। सी माइनर भैया, सी डी माइनर। बहुत सुंदर। पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है पुकार, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है पुकार, मेरा दिल पुकारे करूं, एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक ऐ चांद मुझे दिखला जा, भीगा भीगा ऐसे में है दुखा, तो मेरा दिल ये पुकारे आजा। सीताराम जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने हमारी हम सभी की ये फरमाइश पूरी की। और जब हम पुराने संगीत सुनते हैं ना, तो आज भी उतनी ही तरोताजगी मिलती है और उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं। आज भी ये जो गीत हैं वो मैं कहूँ कि यंग जनरेशन में भी उतना ही प्रचलित है, और इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती आज भी है। अगर मैं आपके उन दिनों का जिक्र करूँ जब आपने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, कब ख्याल आया कि मुझे एक प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण भी लेना चाहिए?
आपने क्लासिकल सीखा है गुरुओं से, जी, जी, जी. उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें, क्योंकि जो आज का जनरेशन है वो संगीत उसे अच्छा तो लगता है पर संगीत जितना धैर्य मांगता है उतना देना मुश्किल भी होता है. आपने कैसे शुरुआत की प्रशिक्षण लेने की? इसके पीछे भी मेरा जो ख्वाब था, मेरे जो सपने थे जी बचपन में, तो जब मैं फिल्म का गाना सुनता था तो मुझको लगता था कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा. जी बिल्कुल. और वो जाने की ख्वाहिश थी. और उस वक्त किसी 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 व्यक्ति से मैंने सुना कि फिल्म में जाने के लिए पहले आपको रेडियो में गाना पड़ेगा. अच्छा. और रेडियो में गाने की पहली शर्त थी कि सुगम संगीत के लिए जी कि आपको अपना कंपोजिशन आना चाहिए. उसके जो ऑडिशन के नियम थे उसमें थे था कि कोई रिकॉर्डेड गाना, कोई ग्रामफोन रिकॉर्ड या कोई फिल्म का गाना नहीं गा सकते हैं आप. अच्छा. जैसे आजकल जो रियलिटी शोज में होते हैं कि आप दूसरे का गाना गा के, फिल्म का गाना गा के आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो जाते हैं. जी जी. उस वक्त रेडियो का जो था वो, आज भी शायद ये परंपरा रेडियो में है कि वहाँ जो है वो आपको फिल्म का गाना गा के एंट्री नहीं मिलती है. रेडियो में अपना गाना गाना होता है और अपना गाना गाने के लिए आपको लोगों ने कहा कि आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा. बस अच्छा. इस तरह से शास्त्रीय संगीत की मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. समस्तीपुर के एक गुरुजी थे पंडित रामचंद्र राय जी, उन्हीं से बाकायदा मैंने 10 वर्षों तक शास्त्रीय संगीत सीखा. अगर मैं बात करूं, आपने बार बार ये जिक्र किया कि जब आप बचपन के दौर में थे तो आप फिल्मी गीते सुना करते थे, किन गायकों से ज़्यादा प्रभावित रहे आप, किन्हें ज़्यादा सुना? फिल्म में तो सब आते हैं और असल में पता नहीं सौभाग्य से जी उस जमाने के जितने भी गायक थे वैसे मैं प्रभावित 2 लोगों से था. अच्छा. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी. मगर सभी के गाने गाता था, मुकेश के भी, मन्ना डे के भी, सभी के गाने गाने मुझको जो भी सुर में जो भी कंपोजिशंस जिसके अच्छे लगते थे जी. उस वक्त बाल मन को जो भी अच्छा लगता था मैं सब गाता था जी. मगर ज़्यादातर लता मंगेशकर के और मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता था ज़्यादातर. बिल्कुल. तो एक झुकाव, एक लगाव उन दिनों भी आपके अंदर था और आप जब सुनते थे तो आप गुनगुनाते थे. मोहम्मद रफ़ी जी के गाने आप ज़्यादा सुनते थे ऐसा आपने जी, कहा जी. आज कार्यक्रम में कुछ सुनाना चाहेंगे उनके गीत? बिल्कुल सुनाएं. आप कहें तो पूरा पूरा कार्यक्रम में फिल्म संगीत सुना सकता हूं. बस एक प्रस्तुति अभी फिलहाल. जी किसका सुनेंगे, मोहम्मद रफ़ी या मुकेश, किसका? आपकी इच्छा जी, आपकी इच्छा जो सुनाना चाहें. मोहम्मद रफी का एक बहुत मशहूर गाना है जी मेजर. चौधरी का चांद हो आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौधरी का चांद हो आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौधरी का
के लिए धन्यवाद आपका। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी सीताराम जी, क्योंकि गायकी हम करते भी हैं, बहुत लोग सिंगिंग करते हैं, पसंद करते हैं, पर आपकी खासियत ये कि आपने म्यूज़िक कंपोज भी किया है, कई सारे सीरियल्स में भी आपने म्यूज़िक कंपोज किया है, फिल्मों में भी आपने म्यूज़िक कंपोज किया है। अगर मैं क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की बात करूँ तो ये म्यूज़िक कंपोज करना है, एक कंपोज़र की तरह कार्य करना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कैसे ये काम करना शुरू किया? निहारिका जी, इसकी शुरुआत भी जैसा कि मैंने बताया अभी कि रेडियो में जब ऑडिशन देने की बात आई, स्वर परीक्षा देने की बात आई, तो उसमें था कि अपना गीत गाना है, अपनी रचना गानी है। तो रचनाएं तो जो लिरिक्स हैं वो तो दिनकर नेपाली और गज़लों में उर्दू शकील बदायूनी साहिर लुधियानवी वगैरह मिल जाते थे, मगर कंपोजिशन सिखाने वाला उस वक्त जो है वो बहुत कम मिलता था। बिल्कुल हाँ, तो ये हो गया कि बस अपनी रचना करनी है और सुरों की रचना भी खुद करनी है। तो इस तरह यूं सोच लीजिए कि पहले तो कंपोजिशन जो है वो गाने सुनता ही था मैं जी। तो स्वर दिमाग में थे ही थे, तो उसी तरह से जो गज़लें हैं, जो गीत हैं रेडियो में गाने के लिए, उसको मैंने कंपोज करना शुरू किया और कंपोजिशन की यात्रा वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बाकायदा जिसको कंपोजिशन कहते हैं, जिसको जो वो मैं जब रेडियो में यहाँ 1982 में बतौर स्टाफ मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये अवसर मुझको ज़्यादा मिला संगीत रूपक करने का और भी बहुत तरह के कोरस कोरल करने का और बहुत बहुत तरह का जितना भी उस वक्त तो कितना कहा जाए, क्योंकि मैंने आकाशवाणी में गायक से ज़्यादा कंपोज़र का ही काम किया है। आज भी आकाशवाणी पटना में ज़्यादातर जो रचनाएं बजती हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं होता हूँ, तो इतना काम मैंने आकाशवाणी में किया। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि एक रिक्वायरमेंट से ये शुरुआत हुई, आपको कहा गया कि अगर आपको आकाशवाणी में जाना है तो आपको म्यूज़िक कंपोज करना होगा, और ये सफ़र जो शुरू हुआ वो निरंतर आगे बढ़ता चला गया। तो अब मैं सीताराम जी को देखना चाहूँगी एक म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर, अपना कुछ कंपोज किया हुआ क्या सुनाना चाहेंगे? एक अपना कंपोज किया हुआ एक जो गाना है जी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। ये मेरा एक गज़लों का एल्बम HMV से निकला था 93 में, उसमें मैं और मेरे आकाशवाणी के सहयोगी श्री अंजन चटर्जी, जो म्यूज़िक कंपोज़र यहाँ थे, अभी यहाँ पुणे में रहते हैं, तो उन्होंने और मैंने मिलकर HMV में एक रिकॉर्ड किया था। एल्बम का नाम था गुलाब का मौसम, उसी का एक टाइटल गीत मैं सुनाता हूँ, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। जी मेजर, आ गया छलके छलके शराब का मौसम, आ गया गुलाब का मौसम, आ गया गुलाब का। हुस्न फूलों का निखरा निखरा सा हुस्न फूलों का, अनपढ़ी सी किताब का मौसम, अनपढ़ी सी किताब का मौसम, छलके छलके शराब
मौसम आ गया है गुलाब का मौसम। मत उठाओ जा मैं कशों गिन के मत उठाओ जा, ये तो है बेहिसाब का मौसम, ये तो है बेहिसाब का मौसम। छल के छल के शराब का मौसम आ गया फिर गुलाब का मौसम आ गया। पोजिशन आपका, और हमारे लिए खुशनसीबी कि आपका कंपोज किया हुआ ये गीत, ये गज़ल आज आपके माध्यम से हम सभी ने सुना भी। और साथ ही मैं वादक कलाकारों की भी तारीफ़ करती चलूँगी, क्योंकि सौरभ जी और शशि जी बहुत सुंदर संगत भी करते चले जा रहे हैं, और हम सभी को ये मौका मिल रहा है कि हम सीताराम जी के आवाज़ में ये सारे गाने आज बिहार बिहान में सुन रहे हैं। आपने जिक्र किया शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण लेने की बात आपने की, और कहते हैं कि संगीत की हर विधा में बेस होता है ये शास्त्रीय संगीत। अगर बात करूं मैं सुगम संगीत की, लोक संगीत की, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी क्या बेसिक डिफरेंस है अगर मैं संगीत के इन विभिन्न प्रकारों की बात करूं तो। देखिए निहारिका जी, मेरे विचार में, चूँकि मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसलिए इस बात पर जोर डालता हूं कि मेरे विचार में, मेरे विचार में संगीत की जो पहली सीढ़ी है, जो शास्त्र से भी पहले है, वह है स्वर। और सबसे पहला परिचय स्वर से ही व्यक्ति का होना चाहिए, और होता भी है कि जब कोई भाषा नहीं होती है तो जब जो बच्चा पैदा लेता है वो सबसे पहले रोता है, और वो कांस्टेंट जो एक ध्वनि होती है, तो आप यूं समझ लीजिए कि संगीत की उत्पत्ति वहीं से होती है मानव की जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में। शास्त्र जो है वह मानव निर्मित है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो प्रकृति में है, और प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं। मगर जब हम आज सोलर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जब बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति से हम चीज़ों को इकट्ठा करके अपने लिए जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहीं से शास्त्र की शुरुआत होती है। तो यह शास्त्रीय संगीत जो है, यह भी एक यूँ कह लीजिए कि एक नियम से चलने का, और नियम से किसी भी चीज़ को सीखने का एक माध्यम है, एक कारण है। बाकी जो वही सात स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा, जो शास्त्र में है, जो लोकगीत में है, जो सुगम संगीत में है। फर्क ये है अभी का जो शास्त्रीय संगीत है, क्योंकि ध्रुपद में तो बोल होते थे, शब्द साहित्य होता था, और उसके बाद ख्याल में जो है साहित्य घटता गया, और सुर कम होते गए, स्वर ज़्यादा होते गए और साहित्य घटता गया, दो लाइन का कोई बंदिश लेकर, और हम पूरा दो घंटा तीन घंटा आलाप करते रहे थे, जो अब घटकर एक से डेढ़ घंटा हो गया है। और सुगम संगीत में राग वही होते हैं, स्वर वही होता है, सब कुछ वही होता है, सिर्फ साहित्य ज़्यादा होता है, लिरिक्स इसमें ज़्यादा होते हैं, पद इसमें ज़्यादा होते हैं, गज़ल में, गीत में, भजन में। तो इसमें जो स्वर के साथ साथ जो एक साहित्य का जो समागम है, मेरे विचार में यही है सुगम संगीत। और लोकगीत को आप यूँ समझ लीजिए कि वो हमारा क्रूड ऑयल है। जैसे हम तेल निकालते हैं, कच्चा तेल, और उसी से पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, सीएनजी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मगर उसका जो मूल है वो है कच्चा तेल। तो उसी तरह से लोक संगीत जो है हमारा, ये कच्चा तेल है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी से
लोक संगीत ही प्रकृति का संगीत है और यही जो है वो जननी है सभी संगीत की। बहुत अच्छी लगी आपकी ये व्याख्या और बहुत विस्तार से आपने बताया ये जो सुगम संगीत है इसमें साहित्य का समावेश है, पंक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, आपने लोकगीतों को कहा कि ये क्रूड ऑयल है, बहुत अच्छी लगी। और जिस तरीके से आपने कनेक्ट किया, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की। और अब मैं रुख करूँगी लोक संगीत की। अगर हम बिहार प्रांत की बात करें तो बड़ी सुंदर बोलियाँ हैं हमारे यहाँ, उसमें से क्या सुनाना चाहेंगे लोक गीत का फ्लेवर अगर हम बिहार बिहार में देना चाहें? मैं मेरी भाषा जो है वो जिसको कहते हैं अपनी भाषा, तो मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि बेगूसराय मिथिलांचल में है। अच्छा। और मेरी भाषा जो है वो मैथिली है। जी, सुनाए। वैसे बिहार का होने के कारण भोजपुरी मघी सब बोल सकता हूँ, सब समझ सकता हूँ, मगर मैथिली जो है वो मेरी मातृभाषा है। और दिमाग का जो कंप्यूटर है पहले अपनी ही भाषा में सोचता है, उसके बाद कोई भी भाषा आती है। जी। मैं एक विद्यापति की रचना सुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये श्रृंगारिक रचना है और ये रचना देखिए कि लोक शैली में भी इसको इसी धुन में गाई जाती है। अच्छा। और ठुमरी स्टाइल में भी वही धुन गाई जाती है। तो एक इस सवाल का जवाब यहाँ मिल जाएगा कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में अंतर क्या है। पहले है लोक धुन जो गांव की महिलाएं गाती हैं, कुंज भवन सौ निकसली है रोकल गिरधारी, ये हुआ फोक स्टाइल जी माइनर। और इसी को बहुत बड़े बड़े हमारे बिहार के हस्तियों ने पद्मश्री राम चतुर मलिक जो पहले संगीत में पद्मश्री बिहार के थे, उन्होंने भी विद्यापति गीत गाए हैं और पद्मश्री सियाराम तिवारी ने भी गाए हैं। तो उनका जो स्टाइल था वो ठुमरी का था, यही कुंज भवन, देखिए वही सुर है कुंज भवन। और जब ठुमरी आया कुंज भवन सौ निकसल रे रोकल गिरधारी, कुंज भवन निकसले है रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनी करु बट मारे, कुंज भवन सौ निकसले रे रोकल गिरधारी। छाड़ू कन्हैया मोर आचर रे फाटत नब सारी, छाड़ू कन्हैया फाटत नब सारी, अब जस होए तो नगर भरे रे जनी करिए उघारी, कुंज भवन निकसल रे रोकल गिरधारी, कुंज भवन निकसल रे रोकल कवि विद्यापति गावल रे सुन गुन मत नारी, कवि विद्यापति कवि विद्यापति कवि विद्यापति गावल रे हरिक संग
किछु डर नहीं है, हरि कृष्ण किछु डर नहीं रे, तो है निपट द्वारी उम्दा प्रस्तुति आपकी। विद्यापति जी का ये गीत आपने हमें सुनाया आज के बिहार बिहार में। एक और जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है संगीत के क्षेत्र में और आपने जनरेशन देखा है। वर्तमान की बात करूँ ना, तो बहुत एक फ्यूजन दिखता है संगीत में भी, काफ़ी झुकाव भी दिखता है फ्यूजन के प्रति। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके, इस फ्यूजन जो अभी फिलहाल संगीत में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ये फ्यूज़न बहुत लोकप्रिय हुआ है, ये सही बात है, मगर ये संगीत जिस तरह से हमारे भारत से दूसरे मुल्कों का एक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है जी। तो उसी तरह कला के क्षेत्र में भी, संगीत ही नहीं बल्कि और भी नाटकों में और चित्रकलाओं में, बहुत सारी कलाओं में पश्चिम की कलाएँ यहाँ आई हैं, यहाँ की पश्चिम गई हैं, ये बहुत होता रहा है। पहले, सबसे पहले जो मुझे याद है कि फ्यूज़न पंडित रविशंकर भारत रत्न, और जिनको नेहरू शांति पुरस्कार मिला था, पश्चिम के एक वायलिन प्लेयर यहूदी मेनोहेन जी, जी उनका एक फ्यूज़न म्यूज़िक का पूरा एक एल्बम निकला था, जिसमें कि राग हिंदुस्तानी थे और दोनों कलाकार अपने अपने स्टाइल में, अपनी अपनी शैली में उन्हीं रागों को बजा रहे थे, बजाया है, आज भी रिकॉर्ड है वो। तो फ्यूज़न तब से है, और फ्यूज़न जो है वो दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों, दो कलाओं का, बल्कि संगीत तो एक ही है, 12 स्वर ही पूरे संसार में है जी, जी। सिर्फ शैलियों का फर्क है, इन दो शैलियों का एक मिलन है फ्यूज़न। इसलिए फ्यूज़न को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, तब जबकि ठीक जैसे हमारे प्रयागराज में संगम है, गंगा जमुना और त्रिवेणी संगम, जिसमें कि फर्क नहीं पता चलता है कि गंगा का पानी कौन सा है, जमुना का कौन सा है। अगर इस तरह फ्यूज़न करें तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ का टुकड़ा ले लिया, थोड़ा वहाँ का ले लिया और कहीं कहीं मिला दिया जी। तो उस फ्यूज़न के हक में मैं नहीं हूँ। फ्यूज़न अच्छी चीज़ है, मगर ठीक से करें, समझ के करें जी। बहुत ही स्पष्ट प्रतिक्रिया दी आपने, और कहते हैं संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, वो तो आप अगर, आपको भाषा का ज्ञान भी नहीं है फिर भी जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क को जरूर समझ आ जाती है। अगर मैं बात करूंगी, आपने विद्यापति जी का गीत हमें सुनाया, तो फिलहाल मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप भोजपुरी में कोई लोकगीत हमें अवश्य सुनाएं। कौन सा वो होगा वो? बस थोड़ा सा जी, कुछ पंक्तियाँ। हाँ, मैं दो लाइन, इसलिए कि भोजपुरी मैंने गाया भी है, रिकॉर्ड भी है, मगर इस वक्त मैं दो लाइन सुनाऊंगा। जरूर जरूर सुनाएं। ये एक रिकॉर्ड निकला था, ग्रामफोन रिकॉर्ड था, मेरी और डॉक्टर शांति जैन जो पद्मश्री हुई और कवयित्री बिहार की, वो गाती भी बहुत अच्छा थी, तो उनके साथ एक गाना हुआ था। गुड़ तोरा लागीला, सैयरे को सैया, अब के सवन विदेश चली जा, अब के सवन मा घर ही कमा, गुड़ तोरा लागीला, सैयरे को सैया, अब के सवन विदेश चली जा, अब के सवन विदेश चली जा, कतनो मने मेरे धनी, कतनो बुझाई बे, कतनो मने मेरे धनी,
कतनो बुझनी बे अब के सवन ममोर गम जाय मोरा अब के सवन म विदेश हम जाय मोरा अब के सवन म विदेश हम जाय मोरा। और इसी तरह पूरा गीत चलता रहता है। वो नायिका मनाती है कि जब तुम विदेश जाओगे तो मैं वर्षा हो जाऊंगी। वो कहता है कि मैं छतरी लगा के चला जाऊंगा। और वो कहती है कि मैं पिछल डगरिया बन जाऊंगी। ये पंक्ति सुनिए जरूर। जब तू जइबा पिया मोरंग देशवा पिछल डगरिया मैं पिछल डगरिया मैं बन जाए पिछल डगरिया हम बन जाए गोरामा। कहता अतना बचन सुनी पिया मूस कईले अब की सवन म विदेश नहीं जाए गोरामा अब की सवन म घर ही कमाए गोरामा अब की सवन म घर ही बिताए गोरामा। वाह 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 वाह। तो लोक गीतों में जो झंकार है वो बिखेर दिया आपने बिहार बिहान के सेट पर। नायक नायिका का मान मनुहार और नायक का फिर मान जाना कि भाई मैं विदेश नहीं जाने वाला हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मैं जिक्र करना चाहूँगी आपकी कुछ उपलब्धियों की। आपने आपको 2022 में भारत चुनाव आयोग द्वारा बिहार के राज्य आइकन के रूप में भी निर्वाचित किया गया। कुछ उपलब्धियों का जिक्र करना चाहेंगे क्या कुछ विशेष? देखिए उपलब्धियाँ जो हैं वो दरअसल मैं जिक्र क्या करूँ। जो भी उपलब्धियाँ मुझको मिली हैं चाहे वो आकाशवाणी का एनुअल अवार्ड हो संगीत के मामले में या बिहार राज्य का आइकन होना, ये सब जो हमारी जनता है जो हमें सुनती रही हैं ये सब उपलब्धियाँ जितनी भी हैं वह उनके नाम हैं और उन्होंने जनता का प्यार। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ ऐसा कलाकार हूँ जिसको अपने घर में इतना सम्मान मिला है जी। बाहर जाकर तो बहुत सारे बिहार में बहुत सारे प्रतिभा लोग हैं बिहार के प्रतिभा हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं बाहर में उनको सम्मान भी मिलता है। लेकिन मैं अपने घर में बेगूसराय में मेरा बहुत घर में सम्मान होता है। मैं जिस राज्य में हूँ वहाँ जो मेरी उपलब्धियाँ यहाँ हैं वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं, इसी राज्य की दी हुई उपलब्धियाँ हैं और इस राज्य की जनता के नाम ये सारी उपलब्धियाँ मेरी हैं जी। जी और मैं आपसे कहूँगी कि बस आप ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहे और हमें मौका मिलता रहे कि हम आपको लगातार सुनते चले जाएं। आपने कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद रफ़ी जी का गीत हमें सुनाया, आपने मुकेश जी का नाम भी लिया था, तो क्यों नहीं एक प्रस्तुति उनके गीतों की भी हो जाए। बिल्कुल जी, मुझे पसंद गाना जो है वो मैं सुना रहा हूँ आपके मन पसंद। और ये देखिए ये मैं म्यूजिक जो अपने गिटार के साथी को जी मेजर डी मेजर ये सारे जो है ना वो संगीत के जैसे सागा पा तो मेजर स्केल जो है वो ऐसे डी मेजर ही है। तो भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ अब चैन से रहने दो मेरे पास ना इतना ना सताओ अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ हुई तारे टूटे हुए
कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। संभला हूं मैं गिर गिर के, मुझे गिर ना गिरा अब चैन। अच्छा लगा और ये बहुत ही सुमधुर गीत आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, हमें मौका मिला इस गीत को सुनने का आपकी आवाज़ में। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी, मन में कोई योजना आपकी, भविष्य की प्लानिंग आपकी, क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, मन में तो आहर निशी जिसको कहते हैं 24 घंटे जी, वो कोई ना कोई योजना चलती रहती है। हाँ। अभी आपने पहले फ्यूजन की बात की, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट अगर पूरा हो गया तो सबके सामने आएगा भी, कि पुराने जो हमारे उस्ताद शायर हैं मीर गालिब, बहादुर शाह जफर, इनको नई तरह से जो आज का म्यूज़िक है, आज के जो जनरेशन है वो गालिब को कैसे सुनेंगे? अगर वही गालिब की जो शायरी की गंभीरता है, अगर म्यूज़िक भी वही रहेगा, तो एक तो यूं ही जो अभी का जनरेशन है वो फास्ट है, तो कैसे सुनेगा? इसलिए मैं एक योजना पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो है कि एंशिएंट पोएट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड, जी जी, एक मेरा ये प्रोजेक्ट है, शायद बहुत जल्दी ही हम सभी श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने कामयाब होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया प्लानिंग आपकी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम, क्या और सुनाना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को? आप जो कहें सुना इस बार आपके पसंद कीजिए। हाँ चलिए जरूर। तो मैं एक फिल्म की बात चल रही है तो एक और रफ़ी साहब की गज़ल सुनाता हूँ। जरूर सुना। इसके शायर हैं कैफी साहब, कैफी आज़मी जी। फिल्म है नौनिहाल। तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर कुंभ का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी ज़ुल्फ साए में शाम कर लूंगा। उठाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर उठाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाले सलाम कर लूंगा, तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। क्या बात है,
सजा दिया आज आपने बिहार बिहान को। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आपकी रही और इस सुंदर प्रस्तुति के साथ आपको सीताराम जी धन्यवाद देना चाहेंगे आज वक्त निकालने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतने खूबसूरत उम्दा गीत हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही संगत कलाकारों को भी हार्दिक धन्यवाद आज कार्यक्रम में इतनी सुंदर इतना सुंदर साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। और दर्शकों, आज हमने आपकी महफिल को सजाया संगीत के सुरों से, हमने तो अपना वादा पूरा किया, आपकी सुबह को सुंदर बनाया और अब आपकी बारी है। आप हमें बताएं कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम, कैसे हम इसमें निखार ला सकते हैं और इसके लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@dd.patna@gmail.com।